पहले नाश्ता करो कि बाद में खेलना। चलो खेलो पहले खा लो।
शॉन 18 साल का एक नौजवान जिसे गेमिंग की लत थी, वो वर्चुअल रियलिटी में इतना फंस गया कि लगातार 40 घंटे एक कैफे में गेम खेलने की वजह से वो लॉक हो गया। उसके हाथ जम गए, उसके पैर अकड़ गए। और शॉन अकेला नहीं है ऐसा, दुनिया में ऐसे कई केसेस हैं और इनके मुख्य कारण सही समय पर खाने और पानी की पूर्ति ना हो पाना, शारीरिक गतिविधि का कम होना और रुधिर धमनियों में खून का थक्का जमने से, एक जगह बैठे रहने से आर्टरीज के अंदर ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है जिससे खून रुक जाता है और सडन डेथ होती है। आज एंड्रॉयड डिवाइसेस एंड आईओएस डिवाइसेस, ये वो नए प्लेटफॉर्म्स हैं जो आगे बढ़ते जा रहे हैं। हर साल नए गेम्स लॉन्च होते हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा एडिक्टिव होते हैं, जैसे हाल फिलहाल में पबजी एंड पुराने समय में क्लैश ऑफ क्लैंस एंड कैंडी क्रश जैसे मोस्ट एडिक्टिव गेम्स हमने देखे। अगर आप दिन में 4 घंटे से ज़्यादा स्क्रीन्स पर बिताते हैं तो मेरे दोस्त आप भी एडिक्टेड हैं। हमारे लिए वर्चुअल रियलिटी इतनी इम्पॉर्टेंट हो गई है कि हम असली दुनिया को भूल गए हैं। हमें लगता है कि हर एक चीज़ जो वर्चुअली एक्टिव है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वास्तविकता वास्तविक है और आभासी वास्तविकता एक आभासी नकल है।